तो गुरु भी सबको एक सा ही तो दिखता है, कोई गुरु घूंघट की आड़ में थोड़ी बैठा है कि सिर्फ शिष्य को मुख उगाड़ के दिखाए, वो तो सबके लिए है। लेकिन फिर भी सबको गुरु से प्रीति तो नहीं हो जाती, फिर भी सबको गुरु के प्रति भाव तो नहीं जम जाता। बहुत लोग किसी गुरु किसी महात्मा के अगर जाते भी हैं तो उनके पास सिर्फ दुनियादारी की इच्छाएं होती हैं, तो उन्हें लगता है कि बस थोड़ा ये मेहर कर देंगे तो हमारा कारोबार ठीक हो जाएगा, लड़की का शादी हो जाएगा, लड़के का ब्याह हो जाएगा, माताजी का बीमारी ठीक हो जाएगा, पिताजी हॉस्पिटल में गए हैं वो स्वस्थ वापिस आ जाएंगे। तो देर इज सम अल्टीरियर मोटिव विच टेक्स पीपल टू मंदिर और मस्जिद और मास्क और बाबा और गुरु और समबडी। इट्स स्टिल द वर्ल्ड, सिर्फ इस दुनिया का पता है, उस दुनिया की कोई खबर ही नहीं है, इसलिए उस दुनिया की क्या बात करेंगे। अब उस दुनिया की खबर क्यों नहीं है? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान मतलब अंधकार। जब मन में अंधकार होगा तो सिर्फ शरीर ही सब कुछ होगा, तो फिर मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा फैमिली का शरीर ठीक रहे, मेरे रिश्तेदार भी ठीक रहे, मेरे दोस्त भी ठीक रहे, बस बात वहीं तक रह जाती। और इस शरीर को खुश रखने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? वी वुड लाइक टू डू एवरीथिंग दैट विच मेक्स माई बॉडी कंफर्टेबल एंड माई बॉडी इज हैप्पी। ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। व्हाट्स योर नेम बेबी? हाँ, श्यामल। अरे वाह, जय हो श्यामल। अच्छा श्यामल, तुमको सबसे अच्छा खाना क्या लगता है? वुड यू लाइक द मोस्ट? डोंट से पनीर। ओके ओके, जब आप पनीर खाते हो तो किसको खुशी लगती है? तुम्हारे हाथ को, जीभ को, आंख को, कि मन को, कि तुमको? मुझको। ये मुझको क्या है? अच्छा, खाते तुम हो कि जीभ खाती है? योर माउथ ईट्स और यू ईट? माउथ ईट्स। सो माउथ शुड फील द जॉय, not you. Okay, mouth eats, tongue has hundreds and thousands of taste buds, right? So when you put any food on your tongue and you chew it, so your tongue has the taste buds, it takes the message to the brain via spine, and then your brain analyzes, okay, it is nice. And then brain says, oh yes, it is nice. Now question is, brain never ate the paneer and tongue ate the paneer, but tongue doesn't have any brain. Right? And you are neither the tongue nor the brain. You are separate from both. Do you understand this much when I say I am not body and I am separate from the body? Do you get this much? Yeah. So, you are not a body, so you are not brain, you are not tongue. Then how can you feel joy? Well, you cannot. Brain did not eat paneer, tongue did. But brain is saying, it's like that if there's your elder brother behind you, what's your name? Raghav. It's like that if somebody slaps Raghav and you say, ah! Tongue ate, brain said it's good. Brain never ate and tongue cannot analyze. It's a strange story. Jeev khati hai, dimag bolta hai, achha hai ya nahi. Achha, tum so rahe ho, ekdom jor se, aur tumhara muh khol ke tumhari mummy jeev pe paneer rakh de, aur tum so rahe ho, to ab kisko maja aayega? Kisi ko bhi nahi, right? Kisi ko bhi nahi aayega. ना जीभ को, ना दिमाग को, क्योंकि दिमाग सोया हुआ है। द ब्रेन, द एक्टिव ब्रेन, द प्रीफ्रंटल ब्रेन इज नॉट वर्किंग।
And the tongue doesn't understand that, what taste it is. तो खाया जीव ने खुश दिमाग हुआ अच्छा मान लो किसी का ब्रेन डैमेज हुए ऐसे तो ब्रेन डैमेज होगा तो बॉडी इज जस्ट लाइक अ वेजिटेबल बट समटाइम्स देर आर सम पीपल जिनका शरीर जो है बहुत खराब हो जाता है हॉस्पिटल में है ब्रेन डेड है इट्स लाइक अ वेजिटेबल दे सेड तो उसको ट्यूब्स से सब दे रहे हैं खाना जो होता है वो सब liquid form mein, in all the basic nutrients are being given through that. Now this brain which is not working, ye khush ho sakta hai ya ye dukhi ho sakta hai? Kuch bhi nahi ho sakta. Right? To dimag bahut zaruri hai. To ab jo dimag hai, wo jeeb ne khaya to khush dimag ho gaya. Kaan ne kuch achcha suna, khush dimag ho gaya. Aankh ne kuch achcha dekha, khush dimag ho gaya. Naak ne kuch achcha sunga, तो भी दिमाग खुश हो गया तो दिमाग जी रहा है कि तुम जी रहे हो अब तुम कहोगे आई हैव अ क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड टू दिस आई विल टेक दैट टू विद दिस हाँ राघव राज द्विवेदी इज यू ओके फाइन देयर यू गो दैट्स माय जैकपॉट See, out of all people, I am hitting to that one family only. Dwedi parivar ka pehle ek bachcha pakda, hum dusra pakad rahe hain, dekho. Raghav ka prashn hai ki, jeevon ka matlab kya hai, insaan ka matlab kya hai, vigyan ki samajh mein hume coincidence hai, aur kuch bhi nahi, arthaat, hamari yahan koi zarurat bhi nahi, phir bhi kya hamara yahan hone ka koi karan hai. Whatever you wrote is not true, pehli baat. When you say Vigyan, okay, which would be the oldest book of science? Just an idea. Oldest, let's say. 200. The Western science, I'm saying. Maybe 300. Maybe 400. Not more than that, right? And the Vedas are at least 10,000 years old. Although it is technically more, but still, chalo chota bol dete, 10,000 bol dete. So 10,000 versus 400, which is the oldest? So should we believe the Vedic science or should we believe this baby science? Huh? This modern science, ye to hoti nahi. अगर भारत में जीरो डिजिट की खोज नहीं होती होती क्या नो कैलकुलेशन नथिंग भारत की सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया को द मैथमेटिशियंस वर बॉर्न देयर मैथमेटिक्स वाज बॉर्न देयर एस्ट्रोनॉमी वाज बॉर्न देयर राइट नॉट टुडे नॉट 500 नॉट 1000 नॉट 2000 नॉट 5000 वे बैक 10,000-20,000 साल पहले तक चले जाओ आप तो वैदिक साइंस क्या कहती है वैदिक साइंस ये कहती है हम सिर्फ शरीर से जो यहां है ये एक कोई कोइंसिडेंस नहीं है इंसान एक स्पीशी है और उसके जैसे बिलियंस और स्पीशीज इस अर्थ पर हैं पर जो इंसान है ये सबसे ज्यादा इवॉल्व है व्हाई बिकॉज द डे मैन स्टूड अप स्ट्रेट वर्टिकल पहले तो वो कहते हैं ना जानवर की तरह बंदर की तरह पैर ही थे चार हाथ नहीं थे जो हाथ थे वो भी पैर ही थे जिस दिन वो यूं सीधा खड़ा हुआ कहते हैं ये सबसे बड़ी प्रगति हुई थी क्योंकि ऐसा हॉरिजॉन्टल स्पाइन जब होगी तो ब्रेन की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई थी जब ये वर्टिकल हुई तो ये ब्रेन की ग्रोथ ज्यादा हुई साइंस विज्ञान भी ये आपका कहता है अब ये जो आपकी ग्रोथ हुई ब्रेन की डेवलपमेंट साइज भी बड़ा हो गया और सब एरियाज भी एक्टिव हो गए और इसके बाद विचार और खोज और रिसर्च और मैं क्या हूं और मेरे आसपास क्या है इस सब चीज का ज्ञान बोध जो है वो मनुष्य को होने लग गया अब ये कहानी तो बड़ी पुरानी है
बहुत पुरानी है, नहीं तो है नहीं ये, पर शरीर की जो शक्ल है, जो रूप है, ये भी बहुत बदला है और दिमाग भी बहुत बदला है। और इस दिमाग को जिस चेतना से चलना नसीब होता है, उस चेतना में कितनी इवॉल्वमेंट हुई, उस हिसाब से उस दिमाग की समझ और विचार बड़ी हुई। चेतना प्राइमरी है, ब्रेन प्राइमरी नहीं है। व्हाट मेक्स द ब्रेन फंक्शन इज द कॉन्शियसनेस। ए आपका ये जिस तुमने साइंस वर्ड यूज किया ना, इसी साइंस का जो लेटेस्ट अब वर्जन है, दैट्स द क्वांटम फिजिक्स जो विंग है। टुडे दैट क्वांटम फिजिक्स इज सेइंग एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, नथिंग इज मैटर, नथिंग इज सॉलिड, एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द, हमारी चेतना की वजह से ही ये सारा जगत है। जो जगत दिख रहा है वो है नहीं, वो सिर्फ एक इल्यूजन बनी हुई है। क्वांटम फिजिक्स आज वही भाषा बोल रही है जो भाषा हमारा बहुत समय से वेद बोल रहा था। हम कोइंसिडेंस नहीं है क्या, अचानक से ये शरीर बन गया और फिर इस शरीर में जो ब्रेन हुआ और उससे संवेदनाएं, सेंसिटिविटी और थॉट्स आ गए और मैं हूँ और मैं हूँ का ये एहसास आ गया और शरीर मर जाएगा तो सब बिखर जाएगा तो बस कहानी खत्म हो जाती, ये सत्य नहीं है। जैसे हम अपने शरीर को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ब्लड, स्पूटम, यूरिन, स्टूल, हेयर, योर टिश्यूज, बोन, एवरीथिंग कैन बी स्टडीड अंडर अ माइक्रोस्कोप। माय क्वेश्चन इज, क्या आपके मन को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं? हाँ, नहीं देख सकते हैं। मन सूक्ष्म है, मन को जानने के लिए आज भी विज्ञान के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पर क्या आप ये कहेंगे कि मन है नहीं? बट वेस्टर्न साइकोलॉजी जस्ट इन 1940s वो कहते थे ब्रेन ही सब कुछ होता है, माइंड तो कुछ होता ही नहीं। 70s तक आते आते वो कहने लगे नहीं, माइंड इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन, बाई प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन इज माइंड। माइंड को एंटिटी को वो समझे ही नहीं। और आज से 2500 वर्ष पूर्व योगी पतंजल ने पतंजल योग सूत्रों का ये संग्रह, द स्क्रिप्चर वॉज क्रिएटेड, ही कलेक्टेड द हिम्स, ही नेवर रोट इट। एंड पतंजल सूत्र टॉक्स ऑल अबाउट माइंड, द वेस्टर्न साइंस को अभी पता भी नहीं, जब 2500 साल पहले उन्होंने बोल दिया मन क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस क्या है, हमारा इंटेलेक्ट क्या है, हमारी चेतना क्या है। और हम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, हम मन नहीं है, हम चित्त नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम इंद्रिया नहीं है, हम ये शरीर भी नहीं, हम तो इन सब से अलग हैं। ये बहुत लोग सवाल करते जी, ये जो सब इकट्ठा हुआ तो मैं हुआ, ये सब खत्म हो गया तो मैं है ही नहीं। अब ये इतना जोर से वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस्लाम, जुडाइज्म, दे ऑल से देयर इज वन लाइफ, राइट? दे ऑल से देयर इज जस्ट वन लाइफ एंड देन आइदर यू गो टू हेल और हेवन, राइट? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सेज नो, there had been many lives and there will be many lives, and yes, hum jo karma karenge uske anusar hame nark bhi bhogna padega aur swarg bhi bhogna padega। ab kahiyon ne kaha ye nark aur swarg one way entry hai, bole nahi one way entry nahi hai, you go and you come out also। phir kahiyon ne kaha kahan hai, that was your question, कहाँ है ये हेल जहाँ हम जाएंगे, कहाँ है ये हेवन जहाँ हम जाएंगे? बट व्हाट्स द ट्रूथ? ट्रूथ इज दिस, हेल इज इन योर माइंड एंड हेवन इज इन योर माइंड। व्हेन यू हैव ग्रेट गुड थॉट्स, हेवन इज क्रिएटेड। जब भी गुस्सा आया हो जोर से, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन, राघव एक अच्छे होटल में, कहाँ, वेयर वुड यू लाइक टू बी, विल पुट यू देयर,
Which place would you like to be? Imagination है ना, बेटे कहीं भी कर लो. Where would you like to be? A 7-star hotel, okay? You are in a 7-star hotel and you are in a president's suite. कल्पना ही करनी तो फिर छोटे की क्यों करो? आप president suite में हो और आप 7-star hotel में हो और आप बहुत अमीर हो और आप कुछ भी खरीद सकते हो और कुछ भी खर्च कर सकते हो और आप जो चाहो कर सकते हो. आप अपने plush sofa में बैठे हो. You are enjoying your food and your drink and your company and then your papa enters and says, Raghav, you bloody get up. That's my seat. And he yells at you. You know, fathers will be always father. Even when the son grows up adult, tab bhi wo usko. Ye baap ka to janmsidh adhikar hota. Ye sab baapo ka hai. Haan? Ye kya kar rahe ho tum? Ye kya khat diya? Wo kyun nahi kiya ye? Aur wo aapko daantne lag jaye. Aur aapko gussa aane lag gaya. तो 7-star का एयर कंडीशनर में बैठ करके भी शरीर को गर्मी लगने लग जाएगा, because your blood will be boiling, right? अभी ये हमने एक बड़ी एक्सट्रीम इमेजिनेशन दे दी, चलो छोटी ले लेते. तुम यहीं बर दुबई के किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और तुम अपनी फेवरेट डिश खा रहे थे. हाँ, और किसी बात पे तुम्हारे मम्मी ने या पापा ने किसी ने जोर से तुम्हें डांट दिया और कुछ ऐसा कह दिया कि तुम्हें गुस्सा आ गया, और इतने जोर से गुस्सा आ गया कि अब गुस्से में वो फेवरेट पनीर का डिश सामने है, लगे उठा के फेंक दूं इसको मैं. तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम गुस्से में होते हैं तब हम नरकीय स्थिति में होते हैं. Let me give you another situation, some life-threatening situation. कोई अचानक से लाके बंदूक यहाँ धर दे, तो लोग क्या हालत होगी सोचिए आप उस समय. जब भय आता है मन में, जब डर आता है मन में, तो कितना दुख आता है. तो नरक क्या है दुख? भय क्या है दुख? शोक क्या है? ये दुख. और ये सारे दुख क्या हैं? यही तो नरक है और क्या है?